हमारे लिए इस जॉब से ज़्यादा ज़रूरी है ना हमारी माँ को ये एहसास दिलाना कि हम अभी भी उस मजदूर की जॉब नहीं कर रही हैं। इसलिए आप हमें अकाउंटेंट की जॉब का ऑफर लेटर भेज दीजिएगा। कहाँ टिया? रो कह रही हूँ। माँ, वो टिया का पेपर अच्छा नहीं गया है। तो क्या हुआ? आज अच्छा नहीं हुआ, कल अच्छा हो जाएगा। हमने आपको हमारी किटी पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करने के लिए फोन किया है और आपको आना बहुत जरूरी है। ललिता जी ने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इस मौका को लपक लो और वो दूसरी औरत से बदला लेने का मौका मिल जाएगा। यही सोच के तो हाँ किए हैं। फिलहाल तो हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है, इसीलिए हम ये जॉब करना चाहते हैं। अभी जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद हमारा मन नहीं मानता है कि तुम वहाँ पे जाके काम करो। हम सेफ है वहाँ पर, वहाँ और पैसे भी विशेष है ना वहाँ पर। माँ, हमें ये नौकरी विशेष की वजह से नहीं मिली है। अरे अकाउंटेंट की जॉब तो उसके आने से पहले ही हमें मिल गई थी। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम सालू को हाँ बोले कि ना, पर हमारा मन नहीं मान रहा है कि सालू वहाँ पे नौकरी करे। देखो सालू, तुम अब बड़ी हो गई हो, समझदार हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। जाके हम भिंडी बनाते हैं वरना हमारा रसोई का समय खत्म हो जाएगा। बुलबुल, तुम क्या माँ के सामने ये पहलवानगिरी झाड़ रही थी, भूल गई क्या? हमें हमारे खिलाफ हुई साजिश के तह तक जाना है। सॉरी दीदी, वो विशेष का नाम सुनते ही ना हमारा खून खौल जाता है, फिर हम बस शुरू हो जाते हैं। वैसे सुनिए हाँ, अगर आपको साइट पे कोई भी प्रॉब्लम ना, आप एक फोन कर देना, हम अपने मुश्तंडों को लेकर पहुंच जाएंगे और सबको फोड़ देंगे। मुश्तंडे? ये वो हमारे बच्चे हैं ना, जिन्हें हम कुश्ती के दाव पेच सिखाते हैं, हम उन्हें मुश्तंडे बुलाते हैं। छोड़ो हमें, आज सबके सामने तेरा वो हाल करेंगे, देख। कहा हुआ, बुरा सपना देखा का? लेकिन आपको कैसे पता? पानी पियो। दीदी, अगली बार जब आप बुरा सपना देखो ना, तो हमें अपने सपने में खींच लेना, ऐसा मारेंगे ना उसे, सीधा तबला बजा देंगे। दीदी, हम दोनों को भी बुला लीजिएगा। और क्या है ना, हम दोनों को भी बुलबुल या दीदी का लाइव एक्शन देखना है। अच्छा ठीक है, अभी अभी सब सो जाओ, क्या पता बुलबुल को सपने में आने की जरूरत पड़ जाए। हम जानते हैं दीदी, आपको बुरा सपना नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई परेशान कर रही है। अब तो हम किसी भी कीमत पर उस मैनेजर को ढूंढ के ही रहेंगे। आज तो हमारी टिया परीक्षा में घबराएगी ना ही ना। दादी, आपका नाश्ता। ये। अच्छा टिया, जो भी आंसर आए ना उसे बिना डरे लिखना, और जो ना आए उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। कई बार क्या होता है ना कि सवाल में ही जवाब छुपा होता है। ठीक है? ठीक है दादी। अच्छा अब हम भी निकलते हैं जॉब के लिए, आज हम भी टिया के जैसे थोड़ा नर्वस हैं। हम नर्वस नहीं है दीदी, अब चाहे जो भी आए हम अपने गोल पर ध्यान देंगे। अच्छा, हमें टाइम पर पहुंचना है, ठीक 9 बजे,
तो अब हम निकलते हैं। ऑल द बेस्ट टिया मुस्कान। बाय दीदी। रुको सालू। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। माँ नहीं, आपने ही तो सिखाया है ना कि अपनी लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए। अब मेरी तो कोई गलती भी नहीं है माँ, तो मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है? और ये सब हमें आपने ही सिखाया है। माँ हम रंजू की बेटियाँ झुकना टूटना डरना नहीं जानती, जानती है तो जीतना या सीखना। हम जानते बेटिया, तुम जो कह रही हो सही है, लेकिन क्या करे, मन तो माँ का ही है ना, ना ही मान रहा है। दी, माँ की तसल्ली के लिए हम आपके साथ चलते हैं। नहीं, किसी को भी हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। दी हम जानते हैं आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो जरूरत है ना। वो है ना वो बावला मैनेजर, जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं ना हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, बस साथ में चलेंगे, ठीक है? अरे बिटिया, अगर वो इतना कह रही है तो साथ में ले जाओ ना, तुम्हारी माँ को और हमको दोनों को तसल्ली रहेगी। ठीक है तुम चलो हमारे साथ। बाय बाय बाय। ये रंजू की बेटियां किस मिट्टी की बनी हुई है? ये टिया और मुस्कान को देख कैसे स्माइल करते हुए एग्जाम देने जा रही, और ये शालू, इसके साथ इतना कुछ होने के बाद भी इसका कॉन्फिडेंस तो देखो, ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। बाबा गो, ये रंजू का लड़की लोग ना बहुत बड़ा ढीठ है। अरे इसका रास्ते में इतना बड़ा पत्थर रख दो, उसको भी किक मार के आगे निकल जाता है। तो देखना एक दिन ना इन लोग का माथा पर ना इतना बड़ा बिजली गिरेगा। नानी, बिजली गिराने का ही प्लान है इस बार हमारा, और ऐसी बिजली गिरेगी ना कि इन सब का उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नानी, उसके लिए थोड़ा टाइम है। अच्छा नानी, हम चलते हैं, कुछ काम करना है। हम भी देखते हैं ललिता को, जावे बाबू तैयार हुआ कि नहीं। हाँ चलो। अम्मा जी अब हम भी चलते हैं, सेंटर में कुछ नए लोग आने वाले हैं, उनको सैंपल दिखाना है। आप नाश्ता जरूर कर लीजिएगा। हाँ का बटन। क्या हुआ गुडवा, बटन टूट गया? ला हम टाक देते हैं। अरे कोई बात नहीं माँ। अरे ऐसे कैसे ठीक है, बिना बटन के कोट पहन के दफ्तर जाएगा? लाओ जरा सुई दो। बुरी आंखों से दिखाई दे तब तो हम सुई में धागा डाले ना। ले बौरिया जरा डाल तो दे। अम्मा ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है, अरे मुझे काहे दे रही है बौरिया, चल तू फटाक से इसके बटन तो टांग दे। अरे हमारा मुंह का ताक रही है, अब जल्दी से बटन टांग दे ना, हमरे गुडवा का बहुत सारे काम है। अरे अम्मा तो चुप कर, चल बहुरिया ये हमको पकड़ाओ, चलो।
मिश्रा जी, भारिया। अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है शन्ना बाबू? कुछ नहीं, वो बटन। और तुम क्या कर रही थी? तुम हम बटन टूट गया था वही लगा रहे थे। हमने बहुरिया का कहा था बटन टूट गया था तो हमने बोला कि टाक दे, और सुई धागा तो उसके पास पहले से ही रहता है। टूटे हुए बटन टाक कर कोट पहनने का काम छोटे लोगों का होता है, गरीबों का होता है, हमारा नहीं। हमारे मिश्रा जी के पास कपड़ों की कमी नहीं है जो वो रिपेयर करके कोट पहनकर ऑफिस जाएंगे। अगर बटन टूट गया तो समझ लो कोट को रिजेक्ट करने का टाइम आ गया है। रीता जी, मैं देर हो रही है, हम चलते हैं। हम आपकी जल्दबाजी समझते हैं शोना बाबू, हमें सिर्फ एक मिनट दीजिए। बुनिया, ओ बुनिया। जी मैडम जी। मिश्रा जी के सारे कोट यहाँ लेकर आओ। जी। आइए सुनने बाबा, ये कोट उतार देती हूँ। देखिए मिश्रा जी, कौन सा कोट चाहिए आपको? अरे रीता जी, कोई भी कोट चल जाएगा। बुनिया, वो ग्रे वाला देना। ये लीजिए। पहन क्या था? बुनिया ये ले, ये कोट अपने भाई को दे देना, अब ये मिश्रा जी के पहनने के लायक नहीं रहा। बाबा गो, जामाई बाबू का कोट में टाका हुआ बॉटल। छमधन जी, आपको ने एक बार समझना पड़ेगा, हमारा जामाई बाबू ना आप मुंगेर का मिश्रा जी का बेटा नहीं है, वो ना मुजफ्फरपुर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ना जाने कितना लोग उनका उतारा हुआ कपड़ा पहनकर अपना परिवार चलाता है। एकदम सही कहा तुमने, हमारे गुड़ों की वजह से ना बहुत सारे परिवार पलते हैं, और एक परिवार तो हमारे सामने ही खड़ा है। और दूसरी बात, एकदम गलत बोली तुमने, हमरा गुडवा मुजफ्फरपुर का चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए, पर वो रहेगा मुंगेर वाले मिश्रा जी का बेटा ही। बहुरिया जाओ, तुम अपने सेंटर जाओ, अपना काम करो। मम्मी, अच्छा तुमने मुझे साइड तक ड्रॉप कर लिया ना, मिल गई तसल्ली। अब घर जाकर ये तसल्ली दादी और माँ में भी बांट लेना, ठीक है? ठीक है दीदी, लेकिन आप उस विशेष पर नजर रखना। हाँ
और अगर आपको कोई भी गड़बड़ लगे ना तो हम तुम्हारे कोच सर के नंबर पे तुम्हें कॉल करेंगे और तुम अपने मुश्तंडों के साथ हमें बचाने आ जाओगी। सब याद है हमें, अब तुम जाओ। बाय दीदी। शालो तो फिर से आ गई। चले निवे, प्रिया का नया कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसे मिलकर फिक्स कर देते कि अगर ये यहाँ काम करेगी तो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी का, क्योंकि इसकी औकात ही यही है। ये नया कॉन्ट्रैक्टर है कौन? कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, डैड का नाम सुनती उसकी पतलून गीली हो जाएगी। चल। चला देखें तो सही है कौन। यही साइट का कॉन्ट्रैक्टर है, तो फिर चल मिलते हैं इससे। विशेष है, बच्चू पांडे का बेटा। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? चल जाके पता करते। ओए सुन, भैया का कॉन्ट्रैक्टर कौन है? अरे अभी अभी जो साहब अंदर गए वही कॉन्ट्रैक्टर है और इंचार्ज भी। विशेष बाबू बहुत ही अच्छे इंसान है, मजदूरों का बहुत ख्याल रखते हैं, और तो और कल तो उन्होंने पुराने मैनेजर को लतिया के यहाँ से बाहर निकाल दिया है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम पूछा है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आया। बड़ा कहीं सर, वो हमने सारे काम चेक कर दिए, पुराने साइट मैनेजर ने तो पैसों की बहुत हेराफेरी की है, रॉ मटेरियल मंगवाने में कमीशन तो खाया ही है, यहाँ तक कि मजदूरों की सैलरी के पैसे भी 30% अपने जेब में डाल दिए। ये तो मेजर ब्लंडर, हमको ये बात बिल्डर से करनी होगी। शालू जी आप एक काम कीजिए, इन सारी डिटेल्स की एक फाइल बनाइए। जी। वो फाइल हम कल बिल्डर को दिखाएंगे, फिर वही डिसाइड करेंगे कि इसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन करना है। ओके सर। अरे शालू जी, शालू जी रंजना वे।
चल। हाँ हाँ ठीक ठीक। काहे पुरानी बातें उठा रही हैं? जो बीत गया सो बीत गया ना, जाने दीजिए। तुम्हारे लिए बात बीत गई है, लेकिन जिनकी बेइज्जती हुई है उनके लिए तो ये बात बीत नहीं सकती ना। तुमने अपनी गलती पर हमसे माफी मांगी थी ना सर, वो नाटक नहीं था, तुमसे भी माफी मांगो। मैम ये साड़ी देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है, कल ही हमने इसे मुंबई से मंगवाया है। मैम ये देखिए, ये सारा हैंडवर्क है और ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगेगी। नहीं। ओके मैम ये देखिए, ये तो आप पे बहुत खूबसूरत लगेगा। ये सारी डिजाइन सारे कलर्स हम पहन चुके हैं, हमने कहा था ना करीना के बेबी शावर में दीपिका ने जो साड़ी पहनी थी हमें वैसी चाहिए, तो वो दिखाओ। मैम हमने वैसे ही डिजाइन की साड़ी मंगवाई है, आती ही होगी, आप देख लीजिएगा। हमारी किटी पार्टी आज ही है, आई होप मेरे दोस्तों के आने से पहले तुम्हारी साड़ी आ जाएगी। यस मैम। अब मिला है असली सलीम और अनारकली का पोज, अब हम इसे तिल का ऐसा ताड़ बनाएंगे कि शालू के सारे सपने दम तोड़ देंगे। लाली वो औरत लोग ना रोंजू से मिलने आया था और तुमको रोंजू समझ लिया, ये सब ना रोंजू का साजिश है। हमको तो लगता है ना लाली कि तुमको इसके बारे में ना जामाई बाबू से जरूर बात करना चाहिए। ये लोग सच कह रहे हैं, इस समस्या का समाधान हमें करना ही होगा। काहे पुरानी बातें उठा रही है, जो बीत गया सो बीत गया ना, जाने दीजिए। लेकिन जिनकी बेइज्जती हुई है उनके लिए तो ये बात बीत नहीं सकती ना। तुमने अपनी गलती पर हमसे माफी मांगी थी ना सर, वो नाटक नहीं था, तुमसे भी माफी मांगो। लाली वो औरत लोग ना रोंजू से मिलने आया था और तुमको रोंजू समझ लिया, ये सब ना रोंजू का साजिश है। हमको तो लगता है ना लाली कि तुमको इसके बारे में ना जामाई बाबू से जरूर बात करना चाहिए। ये लोग सच कह रहे हैं, इस समस्या का समाधान हमें करना ही होगा। काहे पुरानी बातें उठा रही है, जो बीत गया सो बीत गया ना, जाने दीजिए। लेकिन जिनकी बेइज्जती हुई है उनके लिए तो ये बात बीत नहीं सकती ना। तुमने अपनी गलती पर हमसे माफी मांगी थी ना सर, वो नाटक नहीं था, तुमसे भी माफी मांगो।